अगे वध्या तां उधर निहंगा दे नाल विवाद तो बाद कुल्लर पीजा कपल सामने आया है। सहज अरोड़ा ने श्री अकाल तख्त साहिब जाण दी गल कही है, वड्डी खबर है। उन्हें कहा कि मेरी दस्तार ते सवाल उठ रहे ने, मैं अपने परिवार के नाल श्री अकाल तख्त साहिब जावांगा, जिथे मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए, जिथे साडे नाल धक्का हो रहा साडी सुनवाई होवे। सहज अरोड़ा ने कहा प्रशासन को अपील है कि साडी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो जिक्र योग है कि निहंग सिंघा दे वल्लों पिछले दिनों दे विच जाके उन्होंने शरेआम धमकी दी गई सी किस्म दी, और कहा गया कि पग पा के यानी कि दस्तार बन के ये वीडियोज़ जिहड़ियां ने बर्दाश्त नहीं होणगियां, जिन्नियां भी सारियां वीडियोज़ ने उन्होंने डिलीट किया जाए, नहीं तो फिर वो आने वाले दिनों दे विच अपनी तौर पर कार्रवाई करनगे। ताजे दे विच हुण एक कपल सामने आया है, उन्होंने कहा कि जिथे साडे नाल धक्का हो रहा है सानू जिहड़ा इंसाफ दिता जाए, और जिथे मैं गलत हाँ तो सानू सज़ा दी जाए। श्री अकाल तख्त साहिब ते जावांगा। वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले दो तीन दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता। इस चीज़ का जवाब लैन दे लई मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब से जाके एक अर्जी देवांगा, जिथे तो मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए, जिथे मेरे तो मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो उस चीज़ की सुनवाई की जाए। और मैनू पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, सानू इंसाफ दवाया जाएगा, और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है। एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा, इतने साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साडी ते साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बार बार साडे रेस्टोरेंट उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे, ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दो तीन दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता। इस चीज़ का जवाब लैन दे लई मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब से जाके एक अर्जी देवांगा, जिथे तो मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए, जिथे मेरे तो मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो उस चीज़ की सुनवाई की जाए। और मैनू पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, सानू इंसाफ दवाया जाएगा, और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है। एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा, इतने साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साडी ते साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बार बार साडे रेस्टोरेंट उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे, ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तां एक कपल सामने आया है, उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब जाणगे और उत्थे जाके अपनी सारी गल रखणगे, तो जिथे उन्होंने नाल गलत हो रहा है, धक्का हो रहा है, उस मामले च इंसाफ दवाया जाए। उन्होंने कहा कि सानू पूरी उम्मीद है कि इंसाफ जिहड़ा है मिलेगा, और जिस तरीके दे नाल धमकी आई है सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, और दूसरा जिते वो गलत ने तो उन्होंने सज़ा भी दी जाए। तो ये दोवें जने जिहड़े सामने आए ने, यानी कि कपल सामने आया है पिछले दिनों दे विच निहंग सिंघा दे वल्लों दस दिए कि धमकी शरेआम दी गई सी, उन्होंने जाके कहा कि वो दो तीन दिन दे विच वापस आउणगे। उन्होंने एक अल्टीमेटम कुछ घंटिया का दिता सी, कुछ दिनों का दिता सी सहज अरोड़ा नूं, और कहा कि जेकर वो दस्तार पा के जिहड़ा है इस तरीके दियां वीडियोज़ पाउणगे तो फिर सीधे तौर पर वो अपने आप जिम्मेवार होणगे। तमान सिंह अकाली निहंग सिंह साढ़े नाल फोन लाइन पर मौजूद ने, जिन्हां दे वल्लों अजिहा कहा गया सी, अल्टीमेटम दिता गया सी। मान सिंह जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी सहज अरोड़ा और उन्होंने पत्नी सामने आए ने, उन्होंने कहा कि वह श्री अकाल तख्त साहिब जाणगे इस सारे मामले नूं लैके, जिथे वह गलत ने उन्होंने सज़ा दे दी जाए, पर जिथे उन्होंने नाल धक्का हो रहा है तो उन्होंने भी सुनवाई होवे, इंसाफ दिता जाए। की कहोगे? देखो मैडम जी, मैं तुहाडी गल दा जवाब देना चाहुंदा हां कि धक्का किस चीज़ का हो रहा। अपने पंजाब नूं साफ सुथरा रखना हर एक सिख की जिम्मेदारी है। इनू नशा मुक्त बनाउणा और इनू अडल्ट मीडिया तों मुक्त करना यह खालसे पंथ की जिम्मेदारी बनी है। समय समय से वड्डे भरा छोटे भरावों समझाते रहे हैं, ये कोई मारन वाली तो गल नहीं हैगी। आप ना मारन वास्ते गए ना कुटन वास्ते गए, आप बह के सिर्फ एक बार समझा चाहते हैं भी पंजाब के अंदर जो कुछ आप सिर से पग बन के परोस रहे हैं कि पंजाब नूं आप कोई चंगा सुनेहा दे रहे हैं। आप साड़ी देन की है पंजाब नूं, साडे सिर दे उत्ते जिहड़ी पग आ उह पग किहदी आ, और उस पाक नूं सांभणा किवें आ, बेदाग किवें रखणा, की गल सानूं इस चीज़ का पता नहीं। जिहड़ा मर्जी किसे धर्म चवा के सिर ते पग बन के वो अश्लील वीडियो बना के वायरल करू, सिखां दी छवि खराब करूगा, अहीं उस चीज़ ते कोई किंतू परंतु नहीं करांगे। अहीं खालसे पंथ का हिस्सा वा। कलगीधर पातशाह महाराज ने खालसे नूं अपना रूप दिता, आख्या प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। महाराज ने आख्या
साहब सिंह आख्या वो साहिब मैं उसका चेहरा जो महाराज ने सानू हुक्म दिता महाराज ने सानू हक दिते आ महाराज ने तेज ताप प्रताप दिता फिर अही गलत गलत सही सही क्यों नहीं कह सकते धक्का कितने होया उन्होंने दसो कि नुकसान होया उन्होंने उन्होंने मिलने वास्ते अं क्या भी साढ़े ना अं प्रशासन उन्होंने कहा प्रशासन लैके सानू मिल भावे अपने बाउंसर लै आते भावे प्रशासन लैके साढ़े ना बह के एक बार गल करे साडिया जिहड़ियां जो अं कहना चाहते जिहड़ियां गल्लां उह साडियां सुने अश्लील वीडियो बनाओ धर्म कोई संस्था इस चीज की इजाजत देंदी आ तुसीं अपनी औरत नूं नग्न करके और उहदे नाल संबंध बनाउंदे होए वीडियो तुसीं वायरल करके अपने समाज का बेड़ा गर्क करो ये कोई अकाल तख्त जहेदार ऐसा सिर ते पग बन के जेड़ा एक दूजे दे मुंह च मुंह पाउंदे फिरदे आ एक दूजे नाल जफ्फियां पाउंदे फिरदे आ सकैटा पा के ओह लई फिरदे आ तुहानूं नहीं लगदा वी सिख सिख ते अज तक ढकदे आए आ ये लोग सिखां दी छवि इस तरह खराब कर रहे अहीं आउण वालियां नस्लां नूं की आखांगे साडियां नस्लां इह कहणगियां वी साडियां मावां साडियां धीआं साडियां भैणां ऐदां नंगियां हो के पैसे कमाउंदियां रहियां इह दस्सांगे पंजाब नूं अच्छा जिवें अकाल तख्त साहिब ते जाण दी गल उहनां ने कही है तुसीं वी पहुंच कर सकदे हो जवाब दोगे जेकर तुहानूं सद्या जांदा जवाब दोगे तुसीं मैं कहा जी अकाल तख्त साहिब सद्दण उहनां नूं भावें सानूं वी सद्दण अहीं जावांगे जी सानू अकाल तख्त साहब सादा असं जावे असि अकाल तख्त करते अकाल तख्त साहब मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब बैठे लेकिन जेड़ी कहानी जलंधर च आरंभ हुई है वह जलंधर के खत्म करांगे कल मैं 11:30 बजे अपने सिंघा के नाल उत्थे पहुंच रहा प्रशासन मैं दसिया भी मैं आ रहा इन्हों सद के साडना भा के गलबात कराई जाए ना कि इन्हों मारन कुटन वास्ते जा रहे असं बह के ना एक बार राबता करना चाहते हैं बाकी बई जे अकाल तख्त ते भी जांदा पर कहानी फिर भी आके जलंधर च खत्म करनी है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा मान सिंह जी न्यूज़ 18 नाल गलबात करन लई धन्नवाद है तां अकाल तख्त साहिब ते जाण दी गल कही है कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल ने उन्होंने कहा है कि जिथे साडे नाल धक्का हो रहा है सानू इंसाफ दिता जाए और जिथे वह गलत ने तो उन्होंने जिहड़ा है सज़ा दे दी जाए तो कुल मिला के देखना होगा दूसरे पास असी उन्होंने निहंग सिंघा दे नाल भी गलबात की वह कह रहे हैं कि बेशक अकाल तख्त साहिब ते जा आण सहज अरोड़ा उन्हां दी पत्नी पर जिहड़ा मसला जलंधर दे विच है तां उत्थे ही निपटिया जाएगा जिस किस्म दे नाल उन्होंने जाके उत्थे अल्टीमेटम दिता सी उसे ही गल ते उह अपना पहरा दे रहे ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पिछले 2-3 दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता इस चीज़ का जवाब लेने के लिए मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब से जाके एक अर्जी देवांगा जिथे तो मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए जिथे मेरे तो मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो उस चीज़ की सुनवाई की जाए और मैनू पूरा यकीन है पूरा विश्वास है सानू इंसाफ दवाया जाएगा और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा इतने साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साडी ते साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए बार बार साडे रेस्टोरेंट उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह पिछले 2-3 दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता इस चीज़ का जवाब लेने के लिए मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब से जाके एक अर्जी देवांगा जिथे तो मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए जिथे मेरे तो मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो उस चीज़ की सुनवाई की जाए और मैनू पूरा यकीन है पूरा विश्वास है सानू इंसाफ दवाया जाएगा और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा इतने साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साडी ते साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए बार बार साडे रेस्टोरेंट उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।